नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। एमपी में कमलनाथ अब सीएम का चेहरा होंगे। कमलनाथ के नाम पर सहमति बनी है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सहमति बनी है। 150 से अधिक सीट जीतने का संकल्प लिया गया है। तो कमलनाथ सीएम का फेस रहेंगे और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ा फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें, आज कांग्रेस की अहम बैठक, बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए। साथ ही साथ कमलनाथ, दिग्विजय, कांतिलाल भूरिया इस बैठक में शामिल हुए और रणनीति बनाई गई। कई मुद्दों पर मंथन हुआ और तय किया गया है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में अब कांग्रेस है। ये बड़ा ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया है। आज बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए और ये बड़ा फैसला जो है कांग्रेस की ओर से लिया गया है कि सीएम फेस कौन होगा। सीएम फेस कमलनाथ होंगे। कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की और बड़ा फैसला भी लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आज बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की और लंबे वक्त से कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सियासत होती रही है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा कांग्रेस की ओर से, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब जाकर के फैसला लिया गया, सहमति बनी है कि कमलनाथ ही होंगे जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस आला कमान के तमाम बड़े नेता और मध्य प्रदेश के वो सारे चेहरे जो यहाँ पर चुनावी मैदान में, चुनावी रणभूमि में दम भरते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे बैठक में हम बात करें, राहुल गांधी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल और चारों जो उनके साथ सह प्रभारी हैं और नेशनल सेक्रेटरीज भी हैं, वो भी इस पूरी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस में लगातार ये कहा जाता है कि अलग अलग गुटों में बटी हुई है, लेकिन आज आप दिल्ली में तस्वीर देखिए, वहां पे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, ये तमाम जो नेता हैं वो वहां पर एक टेबल पर, एक मंच पर बैठे हुए थे और एक साथ वहां पर बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए वो नजर आए। और आप देखिए, जब कमलनाथ बैठक से बाहर निकलते हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ होते हैं। पहले राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, बड़ा दावा करते हैं कि 150 से ज्यादा सीटें जो है वो इस चुनावों में कांग्रेस लेकर आएगी। स्पष्ट बहुमत की बात उन्होंने की, कर्नाटक में जो बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी उसको दोहराने की बात वहां पर की। और उसके बाद कमलनाथ मुखातिब हुए मीडिया से और उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बन चुकी है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी प्रेस से बातचीत में कही कि हम सभी लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कमलनाथ अभी पीसीसी चीफ भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कमलनाथ रहे हैं, तो जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे और कांग्रेस ने खुद उन्हें प्रेजेंट किया था भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, और कमलनाथ, कांग्रेस के कई नेता उन्हें अभी भी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हालांकि देखिए, जब राहुल गांधी मीडिया को बाइट दे रहे थे और मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या सीएम फेस तय हो गया है, तो राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि 150 से ज्यादा सीट आ रही है। और उसके बाद कमलनाथ प्रेस को संबोधित करते हैं, तो इन तमाम बातों से एक इशारा जरूर निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस जो है वो कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और अगर सरकार बनती है तो यथासंभव कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और बीजेपी लगातार ये कहने का काम कर रही है कि सरकार नहीं बनेगी, ख्याली पुलाव है कांग्रेस के। बहरहाल, देखना होगा कि कांग्रेस की आज जो बैठक हुई है, जो रणनीति बनी है, इससे कितना अमृत मंथन हुआ है और ये अमृत कांग्रेस के लिए आने वाले समय में क्या वाकई संजीवनी का काम करेगा, या फिर बीजेपी जो मजबूत कैडर और मजबूत रणनीति के लिए जानी जाती है, वो एक बार फिर से मध्यप्रदेश की सत्ता में वापसी करने में सफल होगी। जी
देखिए सवाल ये भी उठता है, अब ये फैसला तो ले लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, सीएम का चेहरा कौन होगा? पर हम यही माने कि जिस तरह से पिछली बार चुनाव हुआ था, आगे तो कमलनाथ थे पर पीछे दिग्विजय सिंह थे, कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा जैसा कि हमेशा से चलता आया है। देखिए अभी अगर आप पिछले चुनावों की बात करें तो वहां पे कांग्रेस की त्रिमूर्ति चुनाव लड़ रही थी, जैसे कि खबरों में भी सामने आया कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। हालांकि जब कांग्रेस चुनाव जीती, चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और उनकी हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर भले ही वो संगठन की बात हो या फिर अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो सत्ता की बात की जाए, और अगर फिर से मध्यप्रदेश में सरकार बनती है तो भले ही कमलनाथ का चेहरा आगे रखा जा रहा हो और कमलनाथ के चेहरे पे कांग्रेस ये चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह की भूमिका को किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। और ये तो देखिए आरोप वाली बात है, जो दिग्विजय सिंह पे बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार में भले ही कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार दिग्विजय सिंह चलाने का काम करती है। विपक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पे आरोप लगते हैं, उसके साथ गुटबाजी के भी आरोप लगते हैं, तो ये एक सियासी मसला अलग है। लेकिन हाल फिलहाल अगर कांग्रेस मध्यप्रदेश में बात की जाए तो मेन शो के तौर पर कमलनाथ को ही आगे प्रेजेंट कर रही है, कमलनाथ को ही आगे प्रोजेक्ट कर रही है। और देखिए अभी सिर्फ बैठक हुई, अभी सिर्फ ये दावे किए गए हैं, अभी चुनाव नहीं हुए, अभी नतीजे नहीं आए हैं। चुनाव की कसौटी जो है वो बहुत कठिन रहने वाली है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो। मध्यप्रदेश के पॉलिटिकल पंडित भी इस बात को बार बार कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि 2018 से ज्यादा कठिन चुनाव मध्यप्रदेश में इस बार होगा और बहुत कांटे का। लौटूंगी हमारे साथ बीजेपी से, हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, अभी तक तो सिर्फ असमंजस की स्थिति थी कि आखिर कांग्रेस से सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, पर अब जो है क्लियर कर दिया गया है कांग्रेस द्वारा कि कमलनाथ ही होंगे चेहरा, किस तरह देखती हैं आप? भोपाल आए थे और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के चेहरे पर नहीं होगा, उससे पहले अरुण यादव जी कह चुके हैं, राहुल भैया कह चुके हैं, जीतू पटवारी जी ने भी विद्रोह किया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्वयं का निर्णय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार की आपकी खबरें आ रही हैं तो मुझे लगता है बाकी के जो नेता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की जगह उनका लेना चाहिए। जी ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, फैसला ले लिया गया फाइनली आपके यहाँ से कि आप कमलनाथ ही चेहरा होंगे, पर क्लियर नहीं हो पा रहा था, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, एकदम से कैसे ले लिया गया फैसला? देखिए ऋतु जी, आपसे भी और अन्य सभी संवाददाताओं से समय समय पे इस विषय पे चर्चा हुई है, कमलनाथ जी नहीं, प्रदेश के तमाम नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि कमलनाथ जी हमारा नेतृत्व करें, इसलिए ये पहले से तय था। प्रदेश की राजनीतिक कमेटी द्वारा पहले ही इस मामले में निर्णय लिया जा चुका था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है और कमलनाथ जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भाजपा के नेता झूठ फैलाते थे, भ्रम फैलाते थे, इसलिए हाईकमान ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। आज भाजपा के नेता कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, और प्रतिदिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी या फिर बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के तमाम प्रवक्ता झूठ बोलते थे, जैसे कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठकों में इनकी कोई हिस्सेदारी रहती हो, इसलिए अब ये मजाक का विषय बन गए हैं। भाजपा के नेता अपनी गंभीरता खो चुके हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी अपने मिशन पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी, आज भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और पूरा चुनाव हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 150 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी और नेहा बग्गा जी, आप हमारे साथ जुड़े, लगातार सहयोगी वासु जुड़े हुए थे। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।